हेलो एवरीवन, आई एम सरिता श्रीवास्तव फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। नाउ आई एम गोइंग टू टीच हिंदी स्टैंडर्ड 3। बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 12, जिसका शीर्षक था कितने काम का नीम, कहानी पढ़ाई थी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी कहानी यानी इसी पाठ 12 का प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ। आप उसे ध्यान पूर्वक समझकर उसे अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे। तो आओ हम उन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 में है बच्चों कि नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत, बताइए। क में वाक्य दिया हुआ है नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं, तो यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही लिख दिए। ख, नीम की दातुन चबाने से दांत खराब हो जाते हैं, यह वाक्य गलत है बच्चों। इसलिए यह गलत होगा क्योंकि नीम का दातुन करने से हमारे दांत सुंदर और स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं। ग में वाक्य दिया हुआ है बच्चों कि नीम का पेड़ आसपास की हवा को शुद्ध रखता है, यह बिल्कुल सही है बच्चों। घ, नीम की सूखी पत्तियों को अनाज और दालों में डालकर रखते हैं, यह भी सही है, जिससे कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। अंगा में है बच्चों कि मधुमेह की बीमारी में नीम की पत्तियां खाने से लाभ होता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमने यहाँ पे सही लिखा। अब आपका अगला प्रश्न है बच्चों, वैकल्पिक प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हो कि वैकल्पिक प्रश्नों में आपका 3 विकल्प दिया रहता है उत्तर के रूप में, आपको उनमें से एक सही विकल्प चुनकर लिखना रहता है। तो प्रश्न क में दिया हुआ है कि नीम की पत्तियों का स्वाद कैसा होता है। आपका 3 विकल्प दिया हुआ है, खट्टा, कड़वा और मीठा। तो नीम की पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है, तो यहाँ पे कड़वा लिख दिए। ख में दिया हुआ है खून साफ करने के लिए हमें नीम के कौन से भाग का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों 3 विकल्प हैं, पत्तियों का, छाल का, जड़ का। तो हम खून साफ करने के लिए नीम की पत्तियों का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया नीम की पत्तियों का। अब ग में है बच्चों कि मजबूत और स्वस्थ दांतों के लिए नीम का कौन सा भाग उपयोगी है। 3 विकल्प दिए हुए हैं आपका, पत्तियां, फल और टहनी। तो बच्चों टहनी जो होता है उसे हम दातुन करते हैं, दांत साफ करते हैं, तो यहाँ पर हमने टहनी लिख दिया। अब ग में है बच्चों कि अगर शरीर पर फोड़े फुंसी हो तो नीम का कौन सा भाग उपयोगी होगा। तो बच्चों विकल्प दिया हुआ है नीम की छाल, नीम के फल और नीम का बीज। तो फोड़े फुंसी के लिए हमें नीम की छाल का मरहम बनाकर उस पर लगाते हैं, तो ये फोड़े फुंसी दूर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नीम की छाल सही विकल्प होगा, इसलिए यहाँ पे हमने नीम की छाल लिख दिया। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। प्रश्न क में है बच्चों कि दादी जी ने दीपक से क्या मंगवाया। उत्तर होगा कि दादी जी ने दीपक से नीम की पत्तियां मंगवाई। ख में प्रश्न है बच्चों कि दीपक की दादी को कौन सी बीमारी थी। उत्तर है कि दीपक की दादी को मधुमेह की बीमारी थी। मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज, शुगर। ग में प्रश्न है कि नीम की दातुन का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है। उत्तर लिखोगे बच्चों कि नीम की दातुन का प्रयोग करने से दांत सफेद, मजबूत और स्वस्थ रहते हैं, दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं। घ में प्रश्न है बच्चों कि गर्म कपड़ों में नीम की पत्तियां रखने से के क्या लाभ हैं। उत्तर लिखोगे कि गर्म कपड़ों में नीम की पत्तियां रखने से गर्म कपड़े कीड़ों से बचे रहते हैं। अंगा में प्रश्न है बच्चों कि जब नीम की पत्तियों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है। उत्तर होगा कि जब नीम की पत्तियों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आसपास की हवा शुद्ध हो जाती है और शुद्ध हवा हमें बीमारियों से दूर रखती है। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे प्रश्न का उत्तर हम अभ्यास पुस्तिका में बनाते हैं। आप भी इसी तरह से अपने अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों का उत्तर साफ साफ लिखेंगे, सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। धन्यवाद।